हुई होगी इन फल सब्जियों के छिलकों से। देखिए महिलाएं क्या करती हैं, हर रोज हजारों रुपये कूड़े में फेंक देती हैं, यानी कि वेस्ट कर देती हैं। उनको पता नहीं है कि ये हजारों रुपये कितने कीमती हैं, और ये जो सब्जियों के छिलक हैं, जो पापड़ हैं, बाजार में कितनी महंगी कीमत पर बेचे जाते हैं। और आप एक ऐसा ऑर्गेनिक बूस्टर तैयार कर सकती हैं या तैयार कर सकते हैं, जो महिला पुरुष घर घर में ज़रूरत होती है। देखिए कैसे इनका उपयोग करना है, एक ऐसा ज़बरदस्त बूस्टर बताऊंगा जिससे हर घर की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। यानी कि आज की जनरेशन जो पर्यावरण को इतना नुकसान पहुंच रहा है, कैसे आज की जनरेशन इस बूस्टर को बना सकती है, महिला से लेके पुरुष तक। तो देखिए सबसे पहले हमने देखिए यहाँ पे एक सब्जी की दुकान पे गए और अपने घर की रसोई में गए, ये निकाल लाए कुछ संतरे के छिलके, खीरे के छिलके, केले के छिलके, टमाटर के छिलके, और ये देखिए संतरे के, और ये सारी तरह के हमने छिलके ले लिए। यानी कि जो एक्स्ट्रा साग पालक के पत्ते बच जाते हैं वो भी हमने ले लिए हैं। और ये देखिए मैं एक करिश्मा दिखाता हूँ इसका, ये देखिए हमारा एक बूस्टर, मैं 4 चम्मच इसमें डालता हूँ और ये देखिए कितना तकड़ा खड़ा है, यानी कि ऑर्गेनिक है, बिल्कुल प्योर है। ये बूस्टर इसके अंदर डालता हूँ। अब इस बूस्टर को, ऑर्गेनिक बूस्टर को बनाना कैसे है, देखिए एक मटका लेना है, मैंने एक नया मटका लिया है, आप पुराना भी ले सकते हैं, कोई भी मटका ले सकते हैं। इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें डालनी है, ये कुछ पत्ते डाल दिए मैंने, इसके जो हरे साग के बच जाते हैं, धनिया के बच जाते हैं और ये केले के, और ये सारे पत्ते धीरे धीरे करके मिक्स करके डाल रहा हूँ, कुछ प्याज के छिलके और ये बूस्टर को कितनी मात्रा में डालना है। ये देखिए हमारा तुलसी का पौधा बिल्कुल हरा भरा खड़ा है, चाहे सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो, हमारा ये तुलसी का पौधा हरा ही रहता है। इसका राज क्या है वो भी देख लीजिए, मैं आपको बताऊंगा आप अपनी तुलसी को हरा भरा कैसे रख सकते हैं। अगर आपकी तुलसी सूख गई है तो 4 चम्मच डालते ही हरी हो जाएगी। और ये देखिए छोटे से टमाटर के पेड़ पे कितने कितने प्यारे प्यारे टमाटर के आ गए हैं, अभी ये 1-2 महीने पहले लगाया था और इतना बड़ा हो गया है। अब देखिए इसको बनाना कैसे है, इसमें हर प्रकार के छिलके हमने डाल लेने हैं, और ये हमने डाल के इसको एक लंबे कुछ समय के लिए छोड़ना है। और ये देखिए हमने जो घर में छाछ होती है, लस्सी का एक आधा लीटर लस्सी लिया है, आधा लीटर लस्सी इसके अंदर डाल देंगे। ये लस्सी क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के बैक्टीरियास पैदा होंगे जिससे एक ऑर्गेनिक शुद्ध देसी और प्योर खाद, जो कि ऑर्गेनिक बूस्टर होती है, बड़े बड़े जो खाद भवन है या खाद के भंडार हैं उनमें क्या। और दूसरी बड़ी बात क्या है, इन सब्जियों के छिलके से ऑर्गेनिक चीज़ तैयार होगी, जो कि जिसमें ना तो कोई केमिकल है ना साइड इफ़ेक्ट है, उसका कोई नुकसान नहीं है। अब महिला और पुरुष कैसे इसको समझदारी दिखा सकती हैं, देखिए इसमें मैंने डाल लिया है, अब इसमें हमने क्या डालनी है, ये देखिए मैंने यहाँ पे एक बाल्टी में डाला था 6 महीने पहले, और आज देखिए प्योर, बिल्कुल प्योर तैयार हो चुका है। ये काला काला आप देख रहे होगे, ये एक ऐसा बूस्टर है जो इससे आप, और जब आपको अपने पौधों में, यानी कि आपके बाग बच्चे, गर्मियाँ आ गई हैं, सब्जियाँ लोग लगाते हैं, सब्जियाँ घिया तोरी हर प्रकार की सब्जी को ये इतनी ताकत देगा। ये देखिए एक बूस्टर ये मेरे हाथ में देख रहे हैं, आधा कप डालना है सिर्फ, कोई भी सब्जी हो, अगर आप अपने बगीचे में सब्जी लगा रहे हो तो देखिए एक गमले में सिर्फ आधा इसको डाल दे, यानी कि जितना ये ऑब्जर्व कर सके, और 2-3 दिन इसमें पानी ना दे, ये बिल्कुल मिट्टी में जाएगा और ताकत देगा और इसको इतना बूस्ट करेगा। ये देखिए जैसे कि हमारे तुलसी के अंदर धनिया भी उग रहा है, ये सारा कमाल इस बूस्टर का है, यानी कि इन सब्जियों के वेस्ट छिलकों से हमने ऐसा बूस्टर तैयार कर रखा है 2 बाल्टी, जिससे हमारे देखिए पेड़ पौधे सब कुछ हरा भरा है, कुछ भी सूखा नहीं मिलेगा आपको। और ये देखिए ये 2 बूस्टर 2 बाल्टियों में आपको दिखा दूँ, ये 2 बाल्टियाँ मैंने देखिए अभी पिछले दिनों रखी थी ये, और ये देखिए 1 बाल्टी ये भर के रखी है, कभी भी कमी नहीं होती। आप अपनी रसोई से, सब्जियों के छिलकों से आप इस बूस्टर को बना सकते हैं, ऑर्गेनिक
सब्जियां और फल फ्रूट खा सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो महिलाएँ जरूर शेयर करें। थैंक यू।